वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमें एक हफ्ता हो गया इस स्कूटर को लिए हुए और इसका एक हफ्ते के बाद जो भी हमें खामियां दिखी या फिर जो इसके फायदे दिखे मैंने कंसीडर करे हैं पांच पांच पॉइंट, जो पांच डिसएडवांटेज और पांच एडवांटेज है इस हीरो ऑप्टिमा स्कूटर को लेके जो इलेक्ट्रिक है, और जो भी पॉइंट कंसीडर हुए हैं काफ़ी जेन्युइन तरीके से और काफ़ी ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा और आप सोच सकते हैं उसके बाद कि आपको ये स्कूटर लेना भी है या नहीं लेना है। तो इसमें हम पहले इसकी एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। जो इसकी फर्स्ट एडवांटेज है वो है इसकी रेंज। कंपनी क्लेम करती है 122 किलोमीटर है और हमने इसके साथ 110 किलोमीटर निकाले हैं सिटी के अंदर और 113 किलोमीटर निकाले हैं हाईवे पे। आपको पता ही है पिछले हफ्ते हम कुरुक्षेत्र से इसको लेके आए थे और 57 किलोमीटर सिंगल बैटरी पे हमने चलाया था और 57 ही अगले पे चला था। अब ये स्कूटर 195 किलोमीटर चल चुका है और इसके अंदर जो जो खामियां हमें नज़र आई और जो जो इसके फायदे हैं वो सब मैं आगे गिनवा रहा हूं। इसमें रेंज हो गया, दूसरा जो सीटिंग पोस्चर है आपको ना तो कोई बैक पेन फील होगी, इसमें एक कंफर्टेबल सीट है, ये नहीं है कि भाई लंबा डिस्टेंस कवर करना है और आपको दिक्कत आ रही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो इस स्कूटर का तीसरा जो मेजर और एडवांटेज पॉइंट है, कंपनी क्लेम करती है 4 से 5 घंटे में स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि 4.5 घंटे में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाता है, कंपनी अपनी बात पे खरी उतरती है। अब इस बैटरी को चार्ज करने का जो तरीका है वो यहाँ पे दो चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, एक B1 और एक B2। यहाँ पे आप दो चार्जर दिए गए हैं क्योंकि ये स्कूटर डबल बैटरी है और डबल बैटरी में जो एक बैटरी है 4.5 घंटे चार्ज लेती है। यदि आप दोनों को इकट्ठा लगा देते हैं तो 4.5 घंटे में, और यदि एक बार इसमें डाल के एक बार इसमें जाते हैं तो भाई सारे 9 घंटे दोनों बैटरियों को चार्ज होने में लग जाएंगे। लेकिन कंपनी ने दो चार्जर दे रखे हैं, उनका यूज़ करिए, सॉकेट दे रखे हैं उनमें लगाइए और अपने स्कूटर को चार्ज करिए। जो अगला पॉइंट है इसकी बैलेंसिंग, मेरे को इस स्कूटर की बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी लगी। आप इसको इजीली घुमा सकते हैं, इसका रेडियस, इसकी स्पीड एक ठीक है, एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रिक स्कूटर की। मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी स्पीड है, लेकिन सही स्पीड दे रखी है। तो जो इसका फोर्थ पॉइंट है लोडिंग कैपेसिटी, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी लोडिंग है। हम दो भाई बैठ के आए थे, हमारे में 65 लगभग वजन है। तो और मैंने आज ही के दिन एक अपने बड़े भाई को इस स्कूटी को चलाने के लिए दिया और उनका अप्रोक्स 150 केजी वेट है और वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे स्कूटर से, कि काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड और स्पीड मेंटेन, प्रॉपर जो बैलेंसिंग है, कहीं हिला डुला नहीं। वरना जो डिसएडवांटेज में एक जो इसकी बिल्ड क्वालिटी आती है तो उसको भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जो इसका फिफ्थ मेजर पॉइंट है वो है सीटिंग पोस्चर। अब जैसे मैं स्कूटी पे बैठता हूँ और अब मैं इसको बैठ के काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा हूँ, ये नहीं है कि भाई कोई दिक्कत है मेरे को। और कई बारी क्या होता है जो बैक प्रॉब्लम हो जाती है बंदे को, कुछ स्कूटर ऐसे हैं जिनकी सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छी नहीं है, उनके अंदर बंदे को बैक प्रॉब्लम की फील आती है, फिर ज़्यादा देर नहीं बैठा रह सकता, उसको दिक्कत आती है। लेकिन जो इस सीट का डिज़ाइन है वो काफ़ी सेटिस्फाइड लगा मुझे, और इसका जो बंदा बैठने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील करता है। मैं जो कम हाइट के बंदे हैं या फिर जो लड़कियां हैं जो कम हाइट की है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हैं, क्योंकि काफ़ी कम हाइट में और जो हाइट है, जो सीट एडजस्टमेंट की हाइट है वो 700 mm के अप्रोक्स है, और जिसको काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर बना रही है। अब हम कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। हमने इसके अंदर कुछ मेजर और माइनर पॉइंट्स को कंसीडर कराया, मेनली हम यहाँ पे आज 5 पॉइंट को कंसीडर करेंगे। कभी जो इसकी खामियां है उसको हम बाद में फुल डिटेल्ड वीडियो को लेके आएंगे और उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज इसका सबसे पहला और जो मेजर इशू जो मुझे लगा वो ये है, इसका स्पीड से रिलेटेड। स्पीड से रिलेटेड में दिक्कत क्या है, अब जैसे ये मीटर है और अब ये स्पीड है जो थ्रोटल है, यदि हम इसको कंप्लीट को एक साथ
एक साथ दबा दे तो ये स्पीड नहीं पकड़ेगा, आपको इसको धीरे धीरे ही चलाना होगा तब ही ये स्पीड में आएगा, वरना ये स्पीड 10 से ऊपर जाएगा ही नहीं, 10 20 या फिर धीरे धीरे स्पीड को लेगा। और जो स्पीड रिलेटेड बात है, अब जैसे पेट्रोल व्हीकल है उनके अंदर हम एक्सेलरेट को करते हैं और तुरंत भाग पड़ता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ऐसा नहीं है, पर ये धीरे धीरे अपनी 40 45 50 की जो स्पीड है उसको रिटेन करेगा। जो दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मुझे लगी वो है इसकी प्लास्टिक है, काफ़ी हल्की प्लास्टिक है और आप देख भी सकते हैं इसके अंदर जो प्लास्टिक है, और जब आप इसको थोड़ा दबाते हैं तो इसके अंदर चू चू की भी आवाज़ आती है। इसके अलावा तो अब स्कूटर में है ही प्लास्टिक के अलावा तो कुछ और है ही नहीं, तो जैसे हम इसको देख लेते हैं, इस चीज़ को मैं ठीक मानूँ, अब ये जो प्लास्टिक है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये देखो इजीली मूव कर रही है। अब मान लीजिए आप किसी के साथ भी आपके स्कूटर का ये टकराता है तो ऐसे पुश हो जाएगी, जो हार्ड प्लास्टिक है वो टूट जाएगी, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है तो टूटे नहीं गी, ऐसे पुश होके वापिस अपनी शेप में आ जाएगी। लेकिन जो ये हिस्सा होता है ना स्कूटर का, या फिर ये हिस्सा होता है, वो काफ़ी सॉलिड बनाना चाहिए कंपनी को, और ये इसके अंदर वीक है, जब बंदा बैठेगा वजन के साथ भी चलना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और जो तीसरा पॉइंट अब हम अपनी डिसएडवांटेज कैटेगरी में लेके आते हैं वो है बेस क्लियरेंस। अब जैसे ये जो गैप है, जो स्पेस है, ये जो स्पेस अवेलेबल है ये काफ़ी कम है, आप देख पा रहे होंगे एक प्लास्टिक नुमा कुछ लगा रखा है, ये वायर्स को कवर कर रहा है, लेकिन जब दो व्यक्ति बैठे हो या फिर बंदा कुछ लोड लेके चल रहा हो या फिर जो स्टीप ब्रेकर होते हैं उन पे ये प्लास्टिक टच हो जाती है, क्योंकि इसका 145 mm का जो बेस क्लियरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि मेरे लिहाज से काफ़ी कम है और कहीं ना कहीं कुछ टच होता ही रहता है। लेकिन अब जैसे इसके अंदर मान लीजिए वायरिंग है या फिर ये प्लास्टिक ही है, कभी एकदम लग जाए तो टूट सकता है। जो अगला पॉइंट है वो है इसकी लाइट से रिलेटेड, फोर्थ पॉइंट है, जिसके अंदर जो LED लाइट है वो काफ़ी दूर तक नहीं जाती जब आप अंधेरे के अंदर होते हैं। जो इसकी लाइट का डिस्टेंस है वो लगभग 10 मीटर ही है, और इसके वो 10 मीटर ही है, जो इसके अंदर जो LED लाइट लगी है वो 10 मीटर जितना फ्लो ही कर पाती है जो इसकी लाइट है, इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, कई बारी दूर की चीज़ें देखनी होती है। हालांकि जो इसके अंदर डिप दे रखा है कि अप एंड बिलो का है, उसके अंदर कमी नहीं है, लेकिन जो लाइट का फ्लो है वो मैं कहूँगा औरों के कंपेरिजन में कम है। और जो इसके अंदर फिफ्थ डिसएडवांटेज पॉइंट है, जो पाँचवा डिसएडवांटेज पॉइंट हमने कंसिडर करा है, वो है इसकी प्लास्टिक को लेकर, और जो कि बड़ा अजीब सा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आइए आप। और जैसे ही हम सीट को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक प्लास्टिक है जो ऐसे ही कंपनी ने डाल दी अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्रों के लिए, वरना यहाँ पे कुछ ना कुछ कप होल्डर टाइप हो या फिर कोई इस प्लास्टिक को ही फिक्स कर सकते थे, कुछ ऐसा बना सकती थी कंपनी, लेकिन पता नहीं ये कंपनी ने क्यों किया है। अब आपके सामने स्कूटर को लेकर 5 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज है, और ये ऑनेस्ट ओनर रिव्यू है जो कि आपको पूरी की पूरी डिटेल बताता है। अब आप सोचिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच पाए जो इस स्कूटर को लेना चाहता है, शायद किसी भाई के फैसले में ये वीडियो अहम रोल अदा करे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को वीडियो को शेयर करें, लाइक का बटन जरूर, और कमेंट करें जो आपको, यदि आपके पास भी ये स्कूटर है और आपको ये दिक्कत फील हो रही है तो उस चीज़ का भी कमेंट करें। एक डिटेल्ड जो प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आशा करते हैं आप चैनल अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो पे लाइक का बटन दबा चुके होंगे। चलो भाई अब चलते हैं, और अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है।